लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़ों से भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। एग्जिट पोल में उत्तराखंड की 5 सीटें फिर भाजपा की झोली में आने की उम्मीद बताई गई है। हालांकि 4 जून को मतगणना के बाद ही अंतिम परिणाम आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं, एनडीए उससे ज्यादा सीटें जीतेगा। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सभी एग्जिट पोलों में एनडीए और भाजपा को प्रचंड बहुमत दिखाया गया है और ये एग्जिट पोल उस दिन और आगे बढ़ेंगे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा और जैसे जैसे मतगणना प्रारंभ होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जीत भारत के मोदी जी के 140 करोड़ परिवारजनों की जीत है, उनकी नीति और नियत की जीत है, गरीब कल्याण सुशासन की जीत है जो उन्होंने देश के लिए अपना एक एक पल और एक एक क्षण लगाया है, ये उसकी जीत है और ये ऐतिहासिक होगी। वहीं उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों में भाजपा के सभी 5 प्रत्याशी दोगुने अंतर से जीतने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं, आज सिद्ध हो गया है कि सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की नीति पर जनता ने मुहर लगाई है। हम आज का एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं और सिद्ध हो गया है कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का जो नारा जनता ने लगाया था वो सार्थक सिद्ध होगा। सेवा सुशासन गरीब कल्याण की नीति को जनता का जनादेश प्राप्त हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार इस बार देश के अंदर बनने जा रही है। सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाएं, परिवारवाद एक हो जाए, तुष्टिकरण करने वाले एक हो जाएं, कुर्सी के लिए ईमान धर्म को त्यागने वाले एक हो जाएं, तो भी जनता ने अपनी मोहर देश के विकास को के लिए लगाई है।